إنها لا تدوم، ورحمة الله أوسع وفرجه أقرب، وقد وعد الله بالفرج والتيسير. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. मुसलमान खराफात से दूर रहें। दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। इबादतों से ही मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। फसाद फैलाने वालों से बचना जरूरी है। अश-शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान का मैदान अरफात में खुतबा हज। कहा, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना ही तकवा है। तकवा से इंसान बुराइयों से बचता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहमत बनाकर भेजे गए। हज का रुकने आजम वकूफे अरफा अदा। मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुमा लब्बैक की सदाएं। खुतबा हज के बाद जोहर और असर की नमाज की अदायगी। हुजाज करा मुज़दलिफा रवाना। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। कल शैतान को कंकरियां मारेंगे और सुन्नते इब्राहिमी अदा करेंगे। अपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा। एनआरओ दे दिया तो अपनी पार्टी का जनाजा निकालने वाली बात होगी। अपने मंशूर से पीछे हटे तो तबाही होगी। वजीर आजम का पार्टी अरकान से खिताब। वजीर आजम का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज में जोहराना। अख्तर मेंगल, काफ लीग, जीडीए और अवामी मुस्लिम लीग के अरकान गैर हाजिर। हम किसी एनआरओ की दिलचस्पी नहीं रखते। ये एनआरओ एनआरओ के कह के असल एनआरओ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस पार्लियामेंट में अगर किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, इस सेशन में किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, वो तो केआरओ था, वो तो कुलभूषण रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था जो इन्होंने पेश किया है हाउस में। वो कश्मीर का सफीर बनना था, आज 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 वो कुलभूषण का वकील है और हमें एनआरओ एनआरओ कह रहे। जस्टिस बाकर का डिसीजन के बाद नैब और जमहूरियत भी साथ साथ में चल सकते हैं। हमें किसी एनआरओ में दिलचस्पी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को जवाब। कहते हैं, जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कुलभूषण का वकील है। नैब और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत चाहती है ऑपोजिशन ऐवान में ना बोले। अहम कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन एक। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी इंसदाद दहशतगर्दी और अक्वामी मुतहदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन की तरामीम के साथ दोनों बिल मंजूर किए गए। JUIFA की तरफ से मुखालफत। The rule of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that the requirement of rule 41 of the said rules regarding question hours be dispensed with for the 38 July 2020. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. मुश्तबा दहशतगर्द को कर्जे देने वाले को 5 करोड़ जुर्माना होगा। कलदम तंजीम और नुमाइंदों की जायदाद मुंजमद होगी। ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं दे सकेगा। शेड्यूल 4 में शामिल अफराद के असलाह लाइसेंस मंसूख होंगे। वज़ीरे ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन के शुक्रगुजार। बोले, साबित हो गया कि मुल्की मफादात पर जाती मफादात तरजीह नहीं। बिल की मंजूरी से पाकिस्तान को फायदा होगा। भारत के अजायम खाक में मिल गए। कुलभूषण की सजा में कमी नहीं की गई। तमीम के बगैर कल जल्दी में पास करा दिए। जब वो सेनेट में गए, सेनेट में यही बात उठी कि ये तो बिल ठीक नहीं है, दुरुस्तगी करनी है। आज सुबह कमेटी बैठी, दुरुस्तगी हुई, वो बिल सेनेट से पास हुए, अब कौमी असेंबली में जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मौजूदा नैब के साथ मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत पेटफ की आड़ में तीसरा बिल भी पास करवाना चाहती थी। शेरी रहमान बोली, FATF कानून में तरमीम ना करके धोखा दिया गया। हम नैब को भुगत चुके, मजीद भी भुगतेंगे।
की जड़ जो आपके सामने लाया जा रहा है वो नैब कवानीन नहीं है, वो फाटफ के कवानीन में जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया बगैर तरामीम लाके, ये है झगड़े की जड़। और ये मुल्क पार्लियामेंट के जरिए चलेगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं चलेगा, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है। लिहाजा मैं आज ये वाजे करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। हम एक आजाद रियासत है, हम एक आजाद कौम है, हम एक आजाद मुल्क है, तो फिर आजाद मुल्क को, आजाद कौम को, आजाद रियासत को फैसले ऐसे करने चाहिए जो उन फैसलों से ये झलकता हो कि हम आजाद हैं। आजाद कौमें जो है वो अपने फैसले खुद करते हैं। सेनेट में बिल मंजूर क्यों कराए, JUI का ओपोजिशन से अलहदगी का ऐलान। एक दिन कौम आपसे हिसाब लेगी, मौलाना अताउर रहमान का पारा हाई। अब्दुल गफूर हैदरी बोले, आजाद रियासत को फैसले भी आजादाना करने चाहिए। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से रीछों की अदम मुंतकली पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस अतहर मिलल्ला ने कहा कि चिड़ियाघरों में 40 जराफे मर गए, हमारे सर शर्म से झुक जाने चाहिए। अल्लाह की मखलूक को तकलीफ देने की जिम्मेदार वजारत मौसमियाती तब्दीली है। BRT मंसूबे में करप्शन का पैसा किसकी जेब में जा रहा है, डॉलर महंगा करके कमाई कौन कर रहा है, चीनी पेट्रोल आटा। चीनी माफिया को क्यों नवाजा गया, PTI के 23 खुफिया अकाउंट्स क्यों छुपाए गए, मरियम औरंगजेब के शिबली फराज से सवाल। वफाक में इत्तेहाद सिंध में इख्तलाफ, फिरदौस शमीम नकवी ने वसीम अख्तर को नाकाम मेयर करार दे दिया। कहते हैं वसीम अख्तर को कराची का दर्द होता तो वजीर आला हाउस के बाहर भूख हड़ताल करते। ईद से पहले पेट्रोल बम गिराने का फैसला, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 9.5 रुपए महंगी करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हाई स्पीड डीजल 9.50 रुपए महंगा करने की तजवीज, पेट्रोल 7 रुपए, मिट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। मुनाफा खोर भी सरगर्म, सब्जियां मजीद महंगी, टमाटर 150, प्याज 60, लहसुन 300 रुपए किलो हो गए, अदरक 500 और सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो फरोख्त, शिमला मिर्च और फूल गोभी की भी सेंचुरी। सज्जादा नशीन दरगाह आलिया गोलड़ा शरीफ पीर शाह अब्दुल हक गिलानी इंतकाल कर गए, उम्र 94 बरस थी। शाह महमूद कुरैशी, वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का इजहार ताजियत। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंग्लैंड में दूसरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया, कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। हारिस रऊफ भी दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी होने पर इंग्लैंड रवानगी के लिए तैयार।